हाई गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुर्तीज़ जो आप मतलब घर पे डाल सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और बहुत ही अच्छी कॉटन मटेरियल है या रेन है तो ब्रिदेबल है पूरे दिन आप उन्हें पहन सकते हैं और जब थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी हमें बाहर जाना हो तो आप इन्हें बाहर भी कैरी कर सकते हैं ईजीली काफ़ी स्मार्ट पीसेस हैं और ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा है इनका तो मैं आपके साथ सारी शेयर करती हूँ ये सारी मैंने अमेजोन से परचेज़ की हैं परचेजिंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्स्ट जो लिंक होगा वो होगा अमेजोन स्टोर फ्रंट का जिसके अंदर सारे आइटम्स एडेड होंगे तो आप उसे क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं बाय कर सकते हैं तो यस वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच मोर वीडियोज नाउ लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फर्स्ट कुर्ती एंड दिस इज़ माई फेवरेट कुर्ती बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे ये बिकॉज़ इसका जो पैटर्न है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपने देखा होगा पहले भी मैंने ऐसी कुर्तीज़ आपके साथ शेयर की है जो थोड़ी नी लेंथ होती है और ऐसे फ्लोई होती है तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है स्पेशली ना वो कॉलेज वाली वाइब्स आती हैं कॉलेज के टाइम पे मैं ऐसी बहुत डाला करती थी तो मुझे बहुत प्यारी लगती है स्टिल आज भी तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा प्रिंट हो रखा है काफ़ी सटल फॉयल प्रिंट है कलर बॉटल ग्रीन है एंड फैब्रिक इज़ वेरी नाइस रेऑन है कपड़े की क्वालिटी और प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी काफ़ी रिच लगती है ये इसके अंदर आपको नीचे ये बॉर्डर मिल जाता है ये वर्क किया हुआ है ताकि फ्लो अच्छे से आए तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मुझे इसकी लगी मैंने इसे अपनी एच एन एम की जीन्स के साथ प्यार किया है ये बहुत ही वर्सेटाइल पीस है आप इसकी लेंथ देखेंगे ना तो नी तक आती है तो एज ए ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं मैंने वैक्सिंग नहीं की हुई थी तो मैंने वो उस तरह से स्टाइल करके नहीं दिखाया अदरवाइज़ आप इसे धोती पैंट्स के साथ प्लाजो पैंट्स के साथ जीन्स के साथ और एसज एज एस ए ड्रेस भी स्टाइल कर सकते तो काफ़ी वर्सेटाइल पीस मुझे लगा एंड या आई रियली लाइक दिस वन ये मैंने लिया है मीडियम साइज में तो काफ़ी कंफर्टेबल है काफ़ी प्यारी लग रही है तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है तो आपको डेफ़िनेटली अच्छी लगने वाली है तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन डू लेट मी नो आपको ये कैसी लगी तो so नेक्स्ट कुर्ती जो है वो है फ्रॉम द ब्रांड मैक्स मैक्स की कुर्ती मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई हैं बहुत ही अच्छी लगती है मुझे स्पेशली उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाती है अब की बार मैंने पिक की है ग्रीन लाइट ग्रीन कलर है ये घिया कलर बोलते हैं इसको यस ऐसा कलर है और इस पर ये फ्लोरल प्रिंट हो रखा है वाइट फ्लावर्स इसके अंदर बने हुए थोड़ा सा इसके अंदर यू नो गोल्डन फॉयल प्रिंट भी है काफ़ी सटल सा तो जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रुक नहीं पाई और मैंने इसे ऑर्डर कर दिया इसके यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न है बीच में नहीं है बटन्स वगैरह साइड में हैं तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है इस तरह की आपको स्लीव्स मिल जाती है स्लीव्स पे भी आप डिटेलिंग देख सकते हैं कपड़ा जो है बहुत ही सॉफ्ट है कॉटन है ये एंड इसका जो फ्लोर टच आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है गर्मियों में तो बहुत ही सही लगता है एंड मैंने जितनी भी कुर्ती स्टाइल किया उसके साथ मेरा एक वर्सेटाइल जीन्स है वो पेयर हो गई वो है एच एन एम की बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है लाइक आई थिंक एट हंड्रेड रुपीज़ की मैंने वो ली थी अगर वो आप देखना चाहते हो उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगी मैं जिसके अंदर मैंने आपको वो हॉल शेयर किया था एच का इसके अंदर मैंने साइज लिया है मीडियम एंड इसके साथ आपको आई थिंक यस मास्क भी मिलता है तो यस yes, आपको मैचिंग मास्क मिल जाएगा और अभी तो यू गाइस नो कि मास्क तो नेसेसिटी क्या मैंडेटरी हो गया है <laughs> तो इसके बाद नेक्स्ट जो कुर्ता है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बीबा तो मुझे लगा लेट्स इंक्लूड बीवा ब्रांड का भी कुर्ता एंड जितने भी प्राइसेज होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे मैंने काफ़ी अफोर्डेबल रेंज पिक की है क्योंकि मेरा पर्पस था ऐसे कुर्ते सजेस्ट करना जो आप घर पे डाल सकते हो और स्मार्ट इतने लगते हैं कि आप चाहे तो बाहर भी डाल सकें तो कम्फर्टेबल अफोर्डेबल दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया है एंड या ब्रांडेड भी हैं तो ये है रेड कलर का कुर्ता इस पर बहुत ही हल्का सा फॉयल प्रिंट हो रखा है कॉटन मटेरियल के अंदर है अगेन मैंने साइज़ इसके अंदर मीडियम लिया है थर्टी फोर तो बीवा ब्रांड के जो कुर्ते हैं उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी होती है तो एक काफ़ लेंथ तक आता है इसको मैंने आपको थोड़ा सा ना ओकेजन वेयर के लिए भी स्टाइल करके दिखाया है मेरे पास एक मीशो से मैंने दुपट्टा लिया था उसको इसके साथ प्यार किया है और साथ में वही जीन्स जो मैं आपको बता रही थी उसके साथ प्यार किया जितीजली रेड कलर की और इस तरह से एक हल्का फुल्का पार्टी वेयर लुक भी बन जाता है थोड़ा सा जो आप स्पेशल ओकेजन पर कैरी कर सको और अदरवाइज़ अफोर्डेबल रेंज में इफ़ यू वॉन्ट आप इसे घर पर भी कैरी कर सकते हैं तो बहुत ही प्यारा रेड कलर का ये कुर्ता है फ्रॉम दिस ब्रांड बीबा चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं नेक्स्ट में मैंने लिया है दिस इज़ द कुर्ता ये cotton कॉटन स्टफ़ के अंदर है एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसकी ये एम्ब्रॉयड्री इसको कौन सी एम्ब्रॉयड्री कहते हैं आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो क्रिस क्रॉस से बने हुए हैं मशीन वर्क है साथ में ये बटन्स लगे हुए हैं बहुत ही ईजी ब्रीजी सी कुर्ती है मतलब कॉटन के अंदर काफ़ी सॉफ्ट है काफ़ी फ्लोई है एंड लॉन्ग है ये आप इसे घर पर भी पहन सकते हैं जैसे मैंने बताया हो या बाहर भी डाल सकते हैं इसके साथ आता है इस तरह का दुपत्ता. तो ये आप देख सकते हैं इसका कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है इसका जो पैंट्स है वो मेरी खुद की थी तो इस तरह की ये एक दुपट्टा आता है इसका लेंथ काफ़ी अच्छा आप देखेंगे विर्थ एंड लेंथ काफ़ी अच्छी है इस पर भी हल्का हल्का फॉल प्रिंट हो रखा है और इस तरह से ये यू नो you know, एक लेस टाइप लगी हुई है तो काफ़ी अच्छा लुक आता है कॉटन है सुपर सॉफ्ट है तो गर्मियों में तो बिल्कुल बेस्ट है इस तरह के कपड़े ना कि देखने में भी अच्छे लगे और कॉटन हो तो यस रेन वगैरह कॉटन है यही प्रेफर करती हूँ क्रेप वगैरह जैसे अभी मैंने पहना हुआ है ये जॉर्जट में है तो जॉर्जेट भी काफ़ी सॉफ्ट है तो चल रहा है बट लॉन्ग रन में अगर मैं बताऊँ ना कि आपको बहुत लंबे टाइम तक पहनना है तो कॉटन एंड रेयन बेस्ट है जॉर्जेट वगैरह तो फिर यही है या तो आपको इसके नीचे लाइनिंग वगैरह डालनी पड़ती है वो कॉटन की होनी चाहिए और जब दो लेयर्स होते हैं ना ऑब्वियसली थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कॉटन या रेन गर्मियों के अंदर बेस्ट रहते हैं डेली वेयर में तो बेस्ट वही रहते हैं इसके बाद जो कुर्ते हैं वो मैक्स ब्रांड के ही हैं सारे एंड मैक्स ब्रांड मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट हो गया है बिकॉज अफोर्डेबल के साथ साथ काफ़ी सूदिंग से और स्टाइलिश से आपको उसमें कुर्ते मिल जाते हैं कॉलेज वेयर ऑफिस वेयर के लिए तो ये परफेक्ट है और घर पे पहनने के लिए भी मैं बोलूँगी बिक्स काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं 500 या 500 से कम की रेंज में हैं सारे के सारे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यानी ऑनियन कलर है ये एंड इसके ऊपर ग्रे कलर का ये पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फॉयल मिरर भी है गले पे काफ़ी अच्छा लगता है ये पैच वर्क हो रखा है एंड पीछे इस तरह से ये की होल मिलता है साथ में वुडन बटन है इसमें भी मैंने मीडियम साइज लिया है स्लीव्स थ्री फोर्थ है और इस तरह की डिटेलिंग आप देख सकते हैं स्लीव्स पे भी है तो काफ़ी प्यारी है लेंथ इनकी होती है नी एंड काफ के बीच में तो या दिस इज हाउ इट लुक्स तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लो करता है स्पेशली मैक्स के तो मैं फिर से बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इनके, एंड इसके बाद ये है वो रेन के अंदर था नेक्स्ट ये मैक्स का जो है ये खादी कॉटन जो स्टफ़ होता है ना वैसा है और मैं आपको बताना भूल गई इसके साथ भी आपको जो भी मैंने आपको दिखाया इसके साथ भी आपको मास्क मिलता है विच इज़ रियली अमेजिंग ये वाला कुर्ता स्पेशली मुझे क्यों अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इट्स कलर एक तो ग्रे कलर और साथ में ये जो गोल्डन गौल, कलर का इस इधर यहाँ पे प्रिंट हो रखा है ना इसके कारण जो पैटर्न बन रहा है वो अंगरखा स्टाइल लग रहा है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे से ये प्लेन है एंड ये ए लाइन कुर्ता है आपके यहाँ पर इस तरह से स्लीवस मिल जाती है थोड़ा सा इसके अंदर जो लुक पैटर्न बन के आता है ना वो साउथ इंडियन पैटर्न बनता है जो काफ़ी अच्छा लगता है एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स तो काफ़ी सिंपल सोबर्स है और बहुत ही प्यारा है सो so, इसके अंदर मुझे मीडियम साइज़ में नहीं मिला तो मैंने इसे लार्ज साइज़ में लिया है तो येस थोड़ा सा मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा बट ये मुझे अच्छा लगा कि मैं इसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी येस स्मॉल में अवेलेबल है लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज इसमें अवेलेबल है तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स बहुत ही प्यारा है इसका प्रिंट आप देख सकते हैं और इसका फील है ना बिल्कुल जो खादी कॉटन होता है ना वैसे वाला है तो या दिस इज़ द नेक्स्ट वन इसके बाद है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड मैक्स एंड बहुत ही अफोर्डेबल है थ्री हंड्रेड की रेंज के अंदर ये कुर्ता मिलता है एंड ये भी खादी कॉटन जो स्टफ है वैसा है आगे आप देख सकते हैं इसका पूरा यू या आगे फ्रंट में जो पैनल है ना ये आपको इलॉन्गेटेड इफेक्ट देता है आप टॉल लगते हैं क्योंकि इस तरह से ना एक ये वर्टिकल कॉलम बच जाता है जिससे आप स्लिम एंड टॉल लगते हैं ये भी इस तरह से स्ट्रेट कुर्ता है काफ़ी चौड़ा अच्छा आता है मतलब साइड से एंड बैक इसका प्लेन है सिंपल सोबर सा ऑफ वाइट कलर के अंदर बिल्कुल जो खादी वाला लुक है ना वैसा मिलता है टेक्सचर भी इसका खादी कॉटन ही है स्लीव्स आप देख सकते हैं इसको भी मैंने ऑफ वाइट यू नो पैंट्स के साथ पहना है आप चाहें तो इसे ब्लैक ट्राउजर्स के साथ भी डाल सकते हैं थोड़ा डार्क कलर के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं तो काफ़ी प्यारा लग रहा है तो ये ऐसे कपड़े हैं जो आप घर पे डालेंगे बहुत ही इजी ब्रीसी से और कितने अफोर्डेबल हैं और आ, कुर्ता सेट्स पूरा यू you नो know, घर पे पहनने के लिए आप क्योंकि आपको दोनों लेना पड़ेगा कुर्ता एंड बॉटम तो ऑब्वियसली फिर रेंज थोड़ी सी हाई हो जाती है वो 700 800 इस तरह से चले जाते हैं बट बिकॉज हमें घर पर ही डालना है तो आई थिंक दो तीन बॉटम अगर हमारे पास हों तो इस तरह की कुर्तीज़ आप बदल बदल के अफोर्डेबल रेंज में भी आ जाती है ये बिलो फाइव तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपके पास हो सकता है एंड इसके बाद जो है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड मैक्स एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एक शॉर्ट कुर्ती शेयर की थी मैक्स की जीन्स के साथ स्टाइल करने के लिए ये बिल्कुल सेम वैसे ही है बट लॉन्ग है तो इसका टेक्स्चर काफ़ी सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये है रे मटेरियल या बिल्कुल सेम पैटर्न गले पे जैसा उसमें था वैसा का वैसा है थोड़ी से सीक्विन लगे हुए हैं जो थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक दे रहे हैं आप इसे ऑफिस डाल के जाएंगे बहुत ही स्मार्ट लगेगा इसके अंदर बस एक चीज़ का ध्यान रखिए मैंने ये मीडियम लिया है बट इसका फिट ऐसा आ रहा है जैसे लार्ज जैसा है तो ये yes, इसके अंदर साइज़ है वो स्मॉल लेंगे तो बेस्ट आएगा मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब मैं और सब के अंदर स्मॉल लेती हूँ तो मुझे टाइट लगता है बट इसमें मैं स्मॉल लूँगी तो मुझे परफेक्ट आएगा इसके अंदर पॉकेट भी है एंड काफ़ी कुर्ते वाली अच्छी सी लुक मिलती है एंड ये पूरा बटन्स है पर ये ओपन नहीं हो सकता आप देख सकते मेटैनिक बटन लगे हुए हैं आगे से फ्रंट में स्लेट है तो काफ़ी स्मार्ट अच्छा सा लुक आता है आप सीज पर भी देख सकते हैं डिटेलिंग एंड इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी गुड क्वालिटी और डिटेलिंग आप देख सकते हैं माइंडू डिटेलिंग पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है तो यस ये थे कुर्ते आज के कलेक्शन में जो आप घर पर पहन सकते हैं बाहर जाए तो पहन सकते हैं बट यस अभी तो आप बिल्कुल भी मर जाइएगा बस जैसे तैसे करके हम चाहते हैं कि ये टाइम है ये निकल जाए और हम सब सेफ रहें तो यस yes गाइस थोड़ा सा मोटिवेटेड रहने के लिए थोड़ा सा बिजी इंगेज रहने के लिए वीडियोस बना रहे हैं आई होप आपका भी टाइम पास हो रहा है इसी तरीके से तो यस yes, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में हम अपना अगर टाइम यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आसान हो पाएगा ये टाइम तो ये yes, बार बार दिमाग में वही सब चीज़ें आ जाती हैं बट चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय